और अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे वॉर रूम, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस समय मुलाकात कर रहे हैं, टिकट दावेदारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम विधायकों से चर्चा की जा रही है। टिकट दावेदारों से इस समय प्रभारी रंधावा मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी शहर विधायकों से मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। चूंकि प्रभारी पहुंचे हैं तो तमाम विधायक पदाधिकारी और जो टिकट लेने वाले दावेदार हैं उनसे भी सुखजिंदर सिंह रंधावा मुलाकात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। और राहुल गांधी के जो आगामी दौरा प्रस्तावित है राजस्थान के अंदर, उसको लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर तमाम शहर विधायकों के साथ मंथन किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश होला। लोकेश, प्रभारी रंधावा कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं, इस समय क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और शहर प्रभारी अमृता धवन पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। साथ ही बात करें तो जो राहुल गांधी का जो 23 सितंबर को जो दौरा प्रस्तावित हो रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर भी रंधावा और अमृता धवन बैठक देंगे और तमाम जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी उनको दिशा निर्देश देंगे, अधिक से अधिक पदाधिकारी वो राहुल गांधी की सभा और बैठक में पहुंच सके। इसी को लेकर आज अब रंधावा कुछ देर के अंदर जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे, जहां सभी ब्लॉक अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहने के साथ साथ जो विधायकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, ताकि जो राहुल गांधी की तैयारी, जो व्यवस्थाओं की तैयारी है वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके और आगामी तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश यहाँ रंधावा कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को देंगे। इसी को लेकर बैठक आज बुलाई है। बैठक के बाद में अन्य जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी है, जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जो दावेदार है अपने अपने जो दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं, तो वो भी अपने अपने जो दावेदारी पेश करने के लिए अपने बायोडाटा लेकर रंधावा के पास पहुंचे, तो वो